हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सुजलॉन एनर्जी का शेयर लगातार भागकर थोड़ा सुस्ता रहा है, थोड़ा आराम कर रहा है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में सब आपको बताया है कि शेयर थोड़ा सा क्यों रुक गया, क्यों गिरा, क्यों चला नहीं, उसको जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी शेयर लगातार ऊपर जाता नहीं है, थोड़ा सुस्ताता भी है, साइडवेज भी जाता है, थोड़ा करेक्शन भी होता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग है, सुजलॉन की टर्न अराउंड स्टोरी है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और इसी बीच कंपनी की ओर से एक नया अपडेट आया है जो कि आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि इन्वेस्टर मीट कंपनी ने ऑर्गेनाइज की है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड। JM फाइनेंशियल ये बड़ी ब्रोकिंग फर्म है और बड़ी जो एक पॉपुलर कंपनी है भारत के स्टॉक मार्केट की, जो कि इन्वेस्टर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट ये सब काम करती है। और JM फाइनेंशियल ने ये जो मीट ऑर्गेनाइज की है, इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि कंपनी ने जो क्वार्टर टू के रिजल्ट पेश किए हैं, शानदार आए हैं, उसके बारे में इन्वेस्टर लोग जो है अपनी जो भी सवाल जवाब है वो इस मीटिंग में करेंगे, अपने जो भी क्वेरीज है कंपनी को पूछेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, इस मीटिंग में कुछ बड़ी पॉजिटिव अपडेट कंपनी की ओर से आई, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं, कंपनी से पूछते हैं सवाल कि भाई आगे का टारगेट क्या है, कितना बिजनेस है, कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑर्डर बुक क्या है वगैरह, काफ़ी चीज़ें जो इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर मीट मतलब क्या होता है कि बड़े HNI इन्वेस्टर्स, उसके अलावा FII, DII, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और सवाल जवाब करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से कि क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा, इतना कम क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ, ये सब सवाल जवाब होते हैं। और इसमें कंपनी की ओर से जो जवाब दिए जाते हैं, इस पर ये एक्सपर्ट लोग डिसाइड करते हैं कि आगे पोटेंशियल है या नहीं, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। और इसका जो अपडेट आएगा, इसमें कोई धमाकेदार न्यूज़ अगर आ गई तो फ्रेंड्स शेयर में और भी तेज़ी दिखेगी, और तेज़ी अभी और बाकी है। अभी तो थोड़ा सा इंटरवल चल रहा है, इंटरवल में थोड़ा सा हमें शांति से बैठ जाना चाहिए। पिक्चर फिर से जब शुरू होगी तेज़ी, कुछ दिनों में ही फिर से नई तेज़ी देखने को मिलेगी, जब भी आप इसमें टेंशन फ्री रह सकते हो, तो इससे घबराने की बात नहीं है। और कंपनी ने जो इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज की है, जो कि उसमें हो सकता है कोई धमाकेदार अपडेट हमें सुनने को मिले, जिसके कारण और भी तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।